मित्रों, एडवर्टाइजिंग सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें। वर्धमान भवन, पलंदी चौक, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दमोह। जिले की हिंडोरिया नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी गणेश सिंह ने बड़ा मलेरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गणेश सिंह का कहना था कि बड़ा मलेरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विश्वासघात किया है और चुनाव में भाजपा को हराने का काम किया है। दरअसल हिंडोरिया नगर पंचायत चुनाव में गणेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया था, जबकि प्रद्युम्न सिंह के भाई हेमेंद्र निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे। नगर पंचायत चुनाव में हेमेंद्र सिंह को 9 वोट मिले और वे विजयी घोषित हुए, जबकि भाजपा प्रत्याशी रहे गणेश सिंह को महज 6 वोट ही मिल सके। हिंडोरिया नगर पंचायत में भाजपा के 10 पार्षद जीत कर आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सका। इसी के चलते भाजपा प्रत्याशी बनाए गए गणेश सिंह ने बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी पर पार्टी के साथ विश्वासघात करने और अपने भाई के पक्ष में मतदान करने, लोगों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा भाजपा प्रत्याशी रहे गणेश सिंह ने, आइए सुनाते हैं। और पूरे चुनाव की जिम्मेदारी हमारे बड़े भाई प्रद्युम्न सिंह जी, जो रेत माफिया हनी ट्रैप के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने बड़ा मलहरा का पूरा सागौन, पूरी रेत और हिंडोरिया में फर्जीवाड़ा की दुकानें चलाई हैं, जिन्होंने 4000 शादी में से 3800 शादी फर्जी करवाई हैं, पूरे दमोह में रिकॉर्ड है। ऐसे लोगों ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, बीडी भाई साहब जी का, मुख्यमंत्री जी का और पूरे संगठन का निरादर किया है। संगठन का आदेश का कुल मिला के इन्होंने अपने बड़े भाई के लिए, अपने पद की लालसा के लिए, कि हमारे घर में ही सत्ता स्थापित रहे और घर में ही हम मलाई खाते रहें, इस भावना से उन्होंने जीवन भर कार्य किया है। इनका ना कोई पार्टी के प्रति धर्म है। ऐसे व्यक्तियों पर, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश के बाद भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी, अगर ऐसे लोग ऐसे कृत्य करते हैं, अपने बड़े भाइयों को पार्टी की गाइडलाइन के विरोध में खड़ा करते हैं, तो ऐसे लोगों को पार्टी में कोई जगह नहीं होना चाहिए। यह बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि इतने जिम्मेदार पद पर होने के बाद उन्होंने पद का दुरुपयोग करके पूरे में संगठन के बल, अपने पैसे के बलबूते पर पार्षदों को खरीद कर और कुल मिला के पूरी पार्टी की उपेक्षा की। अब इसकी शिकायत संगठन में करेंगे? बिल्कुल करेंगे, करने की बात ही है। आपने अपने बड़े भाई को संगठन ने जब मैंडेट हमें दिया है, तो आपने कैसे खड़ा किया? क्या नाम है आपका? हमारा गणेश सिंह ठाकुर, भाजपा मंडल अध्यक्ष। शुरू से इस चीज में